मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने संघर्ष किया पिछले लगातार 5 सालों से राजस्थान में, उस पर जनता की मोहर लगती दिख रही है। जो संकेत मिले हैं, जो रुझान आ रहे हैं, उनको देखकर मैं संतुष्ट हूं, बड़ा आशावान हूं कि पब्लिक से जो उम्मीद हमने की थी उसी प्रकार उन्होंने वोट डाला है। वसुंधरा राजे के खिलाफ गुस्सा था या फिर कांग्रेस का जो मेहनत की थी उसका परिणाम? आप देख लीजिए, जब पिछली बार भाजपा को आज से 5 साल पहले 165 विधायक जीते थे और बीच में लगातार चुनाव हुए, स्थानीय निकाय चुनाव हुए, प्रधानी के, नगर निगम के, परिषद के, विधानसभा के उपचुनाव, लोकसभा के उपचुनाव, तमाम जगह भाजपा हारती चली गई और आज भी 100 सीटें गंवाई हैं लगभग अब तक जो रुझान आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री जी के शासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा था, साथ ही साथ जो कांग्रेस पार्टी ने विकल्प प्रस्तुत किया था, जो रोड मैप हमने तैयार किया, राहुल गांधी जी ने कैंपेन किया प्रदेश के अंदर, उसे देखकर जनता ने उसको पसंद किया है और कांग्रेस की तरफ लोगों की उम्मीदें हैं। आज इन राज्यों में और विशेष रूप से राजस्थान में जहां मैं हूं, यहां पर लोगों ने इस बात को स्पष्ट किया है। देखिए, जिस तरह से आप हमेशा से कहते रहे कि कांग्रेस 21 सीट पे आ गई, वहां से लेकर यहां तक आए, तो एक नेचुरल जो आपका हक तो बनता है सीएम बनने के लिए। सबने मिलकर काम किया है, मैं कहता हूं कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत ही रही कि हम नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर संघर्ष किया। भाजपा की इतनी बड़ी सरकार, ताकत, पैसा, प्रशासन, पुलिस, उन सबके खिलाफ जो संग्राम हुआ जनता का, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं ने किया और मैं बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूँ तमाम कांग्रेस के नेताओं का जिन्होंने मेरा पूरा सहयोग किया और कांग्रेस पार्टी को हमने दोबारा खड़ा किया है और हम जीत की तरफ अग्रसर हैं। ये कांग्रेस के लिए, जनता के लिए बड़ी खुशी की बात है। प्रदेश की जनता जो चाहती थी वो हो रहा है। मैं जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन साथ ही साथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो संघर्ष किया, जो पीड़ा सहन करी, जो टकराव हुए, जो जनता का जो गुस्सा